इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति का नेतृत्व करने वाला एक नवोन्वेषी भारतीय व्यवसाय तेजार ईवी इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड है। लिमिटेड तेजार ईवी एक कर्नाटक स्थित कंपनी इनोवेटिव इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो शैली, कार्यक्षमता और पर्यावरण मित्रता का मिश्रण है। ईवी स्थिरता के लिए समर्पित है और उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर एक सहज और मजेदार सवारी की पेशकश करते हुए पर्यावरण पर जितना संभव हो उतना कम प्रभाव डालने के लिए बनाए गए हैं। कंपनी के नवोन्मेषी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन समाधानों की बदौलत भारत का भविष्य अधिक हरा भरा और अधिक टिकाऊ होगा। तेजार ईवी इलेक्ट्रिक प्राप्त लिमिटेड इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की विस्फोटक वृद्धि का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो ग्राहकों को समकालीन गतिशीलता के आनंद का अनुभव करते हुए परिवहन के अधिक पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ तरीकों को अपनाने में सक्षम बनाता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक मूल्य सीमा का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ सूत्रों से संकेत मिलता है कि टासा इलेक्ट्रिक स्कूटर के मिडमोटर वेरिएंट की कीमत 95,000 रुपये होने की उम्मीद है, जबकि हब मोटर वेरिएंट की कीमत 85,000 रुपये होने की उम्मीद है। 170 किलोमीटर की रेंज के साथ कीमत 1,20,000 रुपये आती है। विवरण के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि ई स्कूटर का निर्माण पूरी तरह से भारत में किया जाता है। टासा के 95% स्कूटर पीनिया कर्नाटक में उत्पादित होते हैं। पीनिया एशिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है और अपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस साल की आखिरी तिमाही में टासा इलेक्ट्रिक का इरादा अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के 3 अलग अलग मॉडल पेश करने का है, लेकिन चूंकि उनके पास वर्तमान में पर्याप्त डीलरशिप नहीं है, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन आरक्षण स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुना है। ई स्कूटर के दूसरे वेरिएंट में एक मिड मोटर और 3.5 kWh की बड़ी बैटरी क्षमता दी गई है, जबकि पहले वेरिएंट में एक हब मोटर लगाई गई है। ई स्कूटर के लिए बेल्ट ड्राइव और चेन ड्राइव दो उपलब्ध ड्राइव विकल्प हैं। चेन ड्राइव विशेष रूप से ग्रामीणों के लिए बनाई गई है, जबकि बेल्ट ड्राइव शहरी यात्रियों के लिए बनाई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें दो मोड हैं, स्पोर्ट्स मोड और इको मोड। इसके अलावा ई स्कूटर में 21 लीटर बूट की सुविधा है। इसमें अपेक्षित रेंज इंडी के साथ एक एनालॉग डिस्प्ले है।